हेलो फ्रेंड्स, कुसुम की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं उपमा बनाने जा रही हूँ, वेजिटेबल उपमा, और बहुत टेस्टी लगता है और बहुत आसान है बनाना फ्रेंड्स। और ये साउथ इंडियन डिश है, तो चलिए फ्रेंड्स इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सूजी को रोस्ट करके रख लिया है और इसको आप रोस्ट कर लेना, तभी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। रोस्टेड आता है लेकिन उसको तब भी उसको आप थोड़ा सा घी या तेल डाल के आप उसको भून लेना है। और मैंने तड़का के लिए राई रखा है फ्रेंड्स, राई इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप ज़रूर ऐड करना उसमें। टमाटो कट करके रखा है, एक नींबू रखा है जूस डालने के लिए, काजू लिया है फ्रेंड्स, और गार्निश के लिए धनिया लिया है और हरी मिर्च लिया है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है आप और ले सकते हैं। और मूँगफली लिया है फ्रेंड्स, इसको बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और बीन्स कट करके रखा है मैंने, और गाजर कट करके रखा है। चना दाल लिया फ्रेंड्स मैंने तड़का के लिए, और कड़ी पत्ता मैंने 20 से 25 लीव्स लिया है। तो फ्रेंड्स दिखाते हैं तेल। देखिए फ्रेंड्स, तेल इसमें मैंने चढ़ा दिया है और ये गर्म हो गया है। इसमें सबसे पहले हम राई डालेंगे। राई होने के बाद इसमें हम चना दाल और मूंगफली डालेंगे। राई हो गई फ्रेंड्स, इसमें हम चना दाल डालेंगे। मूंगफली होने के बाद इसमें हम चना दाल को ऐड करेंगे फ्रेंड्स। सॉरी, मैंने उसको चना दाल बोल दिया था। मूंगफली हल्का ब्राउन हो जाएगी तो चना दाल डालेंगे, नहीं तो ज़्यादा टाइट हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता खाने में। काजू ऐड कर देंगे और चना दाल साथ में ऐड कर देंगे फिर अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे। दोनों चीज रोस्ट हो गया है, काजू और चना दाल। इसमें हम कड़ी पत्ता लास्ट में डालेंगे वेजिटेबल डाल देंगे फ्रेंड्स। चना दाल, काजू, कड़ी पत्ता हो गया है, मैं बीन्स डाल दिया है, गाजर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम नमक ऐड करेंगे। वेजिटेबल रोस्ट कर लिया, अच्छे से भून लिया फ्रेंड्स। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, बस सब्जी खाली सब्जियों को पकने के लिए डालेंगे इसमें। उसके बाद इसे हम बाद में ऐड करेंगे, जब सब्जियों में डालेंगे पानी अभी सॉफ्ट होने के लिए। इसको थोड़ी देर के लिए 3 से 4 मिनट के लिए ढक देंगे सर। ढक देंगे। देखिए फ्रेंड्स, सब्जी सॉफ्ट हो गई है, अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। और इसको मैंने 3 से 4 मिनट के लिए ढक के रख दिया था। अब इसमें हम टमाटो ऐड करेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि टमाटो जल्दी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे, पानी में उबाल आएगा तब हम सूजी डालेंगे। उसको 1 से 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि जल्दी सॉफ्ट हो जाए टमाटो। देखिए फ्रेंड्स, टमाटो इसमें का सॉफ्ट हो गया है और इसमें अब हम पानी ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको बताती हूँ मैं इसका आपको कैसे पानी ऐड करना है। मैंने एक बाउल सूजी लिया है रोस्ट करके, आप इसमें 3 बाउल पानी ऐड करना फ्रेंड्स, और फ्लेम को हाई कर देना। जब इसमें उबाल आ जाएगा तब हम इसमें सूजी को डालेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, इसमें अच्छे से उबाल आ गई है और इसमें हम नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। उसमें वेजिटेबल में भी डाला था फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ा कम इसमें डालेंगे। और उसके बाद हम इसमें सूजी को ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से चलाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। बहुत जल्दी अभी बन जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि उबली हुई है, 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। इसको चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से ये बन रहा है और इसमें पानी एकदम परफेक्ट तितला हुआ है। आप इतना ही डालना है। एक बाउल अगर आपके पास सूजी है तो आप उसमें तीन बाउल आप उसमें पानी डालना, नहीं तो वो गाढ़ी हो जाएगी और अच्छे से सूजी भी नहीं पकेगी। इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। इसमें नींबू का जूस जो रखा है फ्रेंड्स, उसको भी इसमें हम मिक्स करके और अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे, नहीं तो अच्छे से नहीं मिक्स होगा। और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे, ये अच्छे से पक जाएगा। चलिए फ्रेंड, 3 से 4 मिनट हो गया है, इसको खोल के देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से बन गया है, एकदम परफेक्ट बना हुआ है और इसमें पानी ना कम है ना ज़्यादा है, एकदम अच्छे से बना है। आप ऐसे ही ट्राई करना, बहुत अच्छा बनेगा फ्रेंड्स। अगर आपके पास एक बाउल, फिर से बोल रही हूँ, अगर आपके पास एक बाउल सूजी है तो आप उसमें 3 बाउल पानी ज़रूर ऐड करना, तभी बहुत अच्छे से बनता है, आपका कभी नहीं ख़राब होगा। फ्रेंड्स, फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और मैं इसको बाउल में डाल के दिखाऊंगी। धनिया गार्निश करके फ्लेम ऑफ करके हम इसको बाउल में डाल के आपको दिखाएंगे प्लेट में सर्व करके। फ्रेंड्स, मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, रेडी हो गया है और इसको बनाना बहुत आसान है और ये बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। और इसको आप बनाओगे, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। और इसको बना के आप अपने बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, आप रात में वेजिटेबल कट करके और सुबह फटाफट अगर आप सूजी रोस्ट करके रखेंगे तो 10 मिनट में रेडी हो जाता है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप इसको बच्चों को टिफ़िन में स्कूल के लिए भी भेज सकते हैं और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और शाम को नाश्ता में बहुत टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू।